Hello everybody. I hope you guys are doing fine out there. And today we're going to see hello everybody. I hope you guys are fine out there. And today we're going to see about the parathyroid gland. Okay, it is also a kind of an endocrine gland. Okay. So first let's just see the location of this particular gland. Okay. So, you know, when we were dealing with thyroid gland in that video, I have told you guys that, you know, parathyroid gland is also located somewhere at like you know, the same place where the thyroid gland was located, right? Okay, so aaj hum dekhenge exactly kahan par. For an example, this is your this is your trachea. Okay, matlab yahan par hai larynx. Okay, yahan se start hota trachea. So ये है हमारा एक ट्रैकिया से बिनेट एंड थोड़ा सॉरी ये है हमारा लैरिंग से थोड़ा नीचे और ट्रैकिया से थोड़ा ऊपर, ठीक है. सो यहाँ पर होता है, हमने देखा था, यहाँ पर होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, राइट. ये हमारा थायराइड ग्लैंड इस्थेमस, दिस इज योर इस्थेमस, राइट. इस्थेमस के थ्रू दो लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड, राइट. चलो यहाँ पर ये बना लेते हैं, ये से चलो. ओके, तो हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पर होते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारे थायरॉयड ग्लैंड में ही होंगे, पर थायरॉयड ग्लैंड के पीछे. ओके, बैक साइड ऑफ थायरॉयड. अब देखिए मैं बैक साइड बना रहा हूँ, ठीक है. दिस इज योर बैक साइड, बैक साइड. तो आपके थायराइड ग्लैंड के ही पीछे होंगे आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है ना. अब पैराथायरॉयड ग्लैंड कितने होंगे आपके? फोर. एक लोब में दो पैराथायरॉयड ग्लैंड, मतलब वन लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड कंटेन्स अ पेयर ऑफ ए पैराथायरॉयड ग्लैंड. ओके, तो एक लोब में एक पेयर होंगे, मतलब दो लोब है तो फिर दो पेयर, दैट इज योर फोर. ओके, देखिए ये क्या करता है. हमने जब थायराइड ग्लैंड, हम जब थायराइड ग्लैंड को देख रहे थे, वहाँ पर हमने एक ये हार्मोन को भी हमने देखा था, राइट, कैल्सिटोनिन. वो कौन से सेल्स रिलीज करते थायराइड ग्लैंड के? वो रिलीज करते हैं आपके सी सेल्स, राइट. तो सी सेल्स माने पैरा फॉलिकुलर सेल्स, राइट. ये सेल्स आपके कैल्सिटोनिन को रिलीज कर रहा था. एंड कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था? ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी दिखा रहा था, राइट. मतलब उसको लगा, वो पर्टिकुलर प्रोटीन को लगा कि हाँ, ब्लड में बहुत ही कैल्शियम ज़्यादा हो गया, अब उसको करना है काम. तो उसने क्या कर दिया, आपके बोन से जितने भी कैल्शियम बनकर आ रहे थे ब्लड में, उसको रोक दिया. इट डिक्रीजेस द मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन टू द ब्लड, राइट. सो ये था उसका काम. और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसके एंटागोनिस्ट काम कौन करता है? ये करता है आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड के हॉर्मोन, ठीक है. पैराथायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, उसको हम बोलेंगे पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड पैराथायरॉयड हार्मोन, दैट इज पी टी एच. ओके, पैराथायरॉयड हार्मोन, इसको हम कुलिप हार्मोन भी बोल सकते हैं, कुलिप्स हार्मोन. ओके, चाहे आप कुलिप्स हार्मोन बोलो या सिंपली आप पीटीएच बोलो, एक ही है, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है. तो पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके कुलिप्स हार्मोन को रिलीज करता है. एंड ये कुलिप्स हार्मोन क्या कर देता है उसको, मतलब ये कब रिलीज करता है? पहली बात तो ये है कि आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड कब रिलीज करता है कुलिप्स हार्मोन को. पैराथायरॉयड ग्लैंड तब रिलीज करेंगे आपके पैराथायरॉयड हार्मोन को जब ब्लड में आपके कैल्शियम लेवल बहुत ही कम हो, ठीक है, बहुत ही कम. तो ये क्या करता था, ये ना आपकी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी करता है, मतलब इट इन्हेंसेस द यू नो द मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन टू द ब्लड, जस्ट अपोजिट ऑफ योर कैल्सिटोनिन. ओके, इसीलिए मैं बोल रहा था कैल्सिटोनिन की एंटागोनिस्ट काम करते हैं ये आपकी ये पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है ना. अब देखिए ये बेचारा हार्मोन आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराने के लिए क्या क्या करता है? पहले तो ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कर देता है, राइट. ऑस्टियो लिख देता हूँ यहाँ पर,
ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कर देता है। और दूसरी बात, ये किडनी में जाएगा, ठीक है, किडनी में जाकर कैल्सीट्रियोल, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 है। तो किडनी में जाकर ये क्या कर देता है, आपके कैल्सीट्रियोल को बना देता है, मतलब देखिए पैराथायराइड हार्मोन एंड किडनी में जाकर कैल्सीट्रियोल को रिलीज करवा देता है किडनी से, ठीक है। कैल्सीट्रियोल क्या है, एक कैल्सीट्रियोल इट इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अब ये क्या कर देता है, ये जाकर, ये पर्टिकुलर ये विटामिन डी ये जाकर इंटेस्टाइन में आपके, ठीक है, इंटेस्टाइन में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, कैल्शियम चैनल्स को, बहुत सारे कैल्शियम चैनल्स को खोल देता है। मतलब आपके डाइजेशन के प्रोसेस में कैल्शियम को बहुत ही ज़्यादा अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि अभी ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ही कम है, राइट। और तो और किडनी से कैल्सीट्रियोल तो रिलीज करवाता ही है, मतलब सिक्रीट करवाता ही है, पर उसके अलावा किडनी में भी आपके जो PCT DCT, राइट, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूपोफेनले, ये जो एक ट्यूब नहीं है, रीनल ट्यूब बोलते हैं हम सभी कलेक्टिवली, कलेक्टिंग डक्ट, सभी को हम रीनल ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। तो रीनल ट्यूब से भी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इनहेंस कर, रीअब्जॉर्प्शन को, वैसे मतलब एक्सपिरेटरी सिस्टम अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ वहाँ पर क्या होता है, जैसे आप ग्लोमेरुलस होता है, राइट, यहाँ से एफेरेंट आर्टेरियोल्स आते हैं और यहाँ पर इफेरेंट जाते, राइट। तो यहाँ पर एक फिल्टर्ड, ओके, ये फिल्टर्ड ना आपके पहले तो पीसीटी, इसको हम पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल डिस्ट कॉन्वोलेटेड, थोड़ा कॉन्वोलेटेड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद लूपोफेनले होता है ऐसे, ठीक है, लूपोफेनले एंड आपके डीसीटी मतलब डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, थोड़ा दूर डिजिटल, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपके बहुत ही ज़्यादा मतलब और जगह से भी ये नेफ्रोन की ये कनेक्शन है, ट्यूब आ रहा है, इसको हम कलेक्टिंग ट्यूब बोलते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब या तो कलेक्टिंग डग भी बोल सकते हैं, इसको डीसीटी, इसको पीसीटी, इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पैराथायराइड हार्मोन क्या कर देता है, किडनी से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को भी मतलब बढ़ा देता है। क्योंकि देखिए पहले तो क्या होता है, आपके ग्लोमेरुलस से फिल्टर्ड होकर आता है, यहाँ पर बहुत सारे आयोन्स वगैरह यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, इससे फिर से ऑब्जॉर्व करने को हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। ऑब्जॉर्प्शन तो मतलब पहले ही हो चुका है, पर वो फिर से रीअब्जॉर्व कर रहे हैं ना, इसलिए वही चीज़ ब्लड के ही चीज़ को फिर से ऑब्जॉर्व करते हैं, इसीलिए हम रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है इनको। तो आपके पैराथायराइड हार्मोन, दैट इज आल्सो योर कोलेप्स हार्मोन, क्या कर देता है ये, इट इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। इस इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, वैसे तो सभी के अपने अपने नाम है, पर सभी को मिलाकर रीनल ट्यूब्यूल मतलब रीनल ट्यूब्स बोलेंगे, ठीक है। रीनल मतलब किडनी, राइट, रीनल का मतलब किडनी, किडनी के ट्यूब्स, ये सारे ट्यूब्स ही तो है, इन सारे ट्यूब से क्या कर देता है, अब आपके पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को मतलब रीअब्जॉर्ब करवा देता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया, एंड इसीलिए दिस इज द रीजन वाई पैराथायराइड हार्मोन, या तो फिर हम कोलेप्स हार्मोन को हाइपर कैल्सीमिया, कैल्सिमिक, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये क्या कर देता है, कैल्शियम के मतलब कैल्शियम के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करवा देता है। क्योंकि जैसे भी करके इसको कैल्शियम को इंक्रीज करवाना ब्लड में, चाहे वो आपके ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी से हो या तो फिर आपके वो रीअब्जॉर्प्शन, राइट, रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन करवा के, या तो फिर किडनी से और एक चीज़ को सिक्रीट करवा के, दैट इज योर कैल्सीट्रियोल, उसको सिक्रीट करवा के आपके मतलब इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करवाना, राइट। तो ये सभी चीज़
कर कर आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड बस कैल्शियम को ही तो इंक्रीज करवा रहा है, राइट, कैल्शियम को ही तो इंक्रीज करवा रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे हाइपर, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, ओके, कैल्शियम को बढ़ाना, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन भी बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड को, ए सॉरी पैराथायरॉयड हार्मोन को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड एक चीज़ यहाँ पर, हालांकि मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर से मैं बता रहा हूँ, आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड कब पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है, जब उसको पता चलता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ही कम हो, ठीक है, तब मतलब इसको, मतलब ये वाले हार्मोन को सिक्रीट करवाने के लिए आपकी ना तो पिट्यूटरी से ना ही हाइपोथैलेमस से कुछ सिग्नल आता है, ये खुद ब खुद होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विथ वन न्यू ग्लैंड, दैट इज आवर थाइमस ग्लैंड, ओके, थाइमस ग्लैंड के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।